नमस्कार पशुपालक भाइयों, मैं आज आपके लिए बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट लेकर आई हूँ, एलडीएम लेट डाउन ऑफ मिल्क। जो भी पशुपालक भाई मेरी इस वीडियो को देख रहा है वो इस प्रोडक्ट को जरूर मंगवाइए, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के अनेकों फायदे हैं। अगर आपका पशु दूध नहीं उतारता है तो 200 ml उसको प्रतिदिन रोज आपको पिलाना है, 100 ml सुबह, 100 ml शाम को। अगर आपके पशु का बछड़ा या बछड़ी मर जाता है और वो दूध देना बंद कर देता है तो सुबह शाम उसको 100 ml पिलाइए, वो दूध देना शुरू कर देगा। यदि आपके पशु को थनेला रोग हो जाता है, उसके थनों में दिक्कत आ जाती है और उसके बाद भी वो दूध नहीं उतारता है तो भी ये प्रोडक्ट बहुत उपयोगी है। पशुओं की अनेकों बीमारी के लिए तरल पदार्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि इस पे लिखा है, दूध उतारने, दूध बढ़ाने, दूध का फैट बढ़ाने, अच्छे पावस के लिए अद्भुत जड़ी बूटियों से बना तरल पशु खुराक मिश्रण है। सभी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है और घर बैठे ऑर्डर करने के लिए फ्लिपकार्ट और अमेजन से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल कीजिए और जानकारी। पशुओं की बात पशुपालकों के साथ, पशुपालन विकास में देखने वाले सारे भाई ना भाई, गुरमीत कवि की हाथ जोड़कर राम राम नमस्कार है। आज पहुंच चुके हैं जींद में, बिल्कुल खड़े हैं पवन कुमार डेयरी फार्म। आदित्य भाई हमारे साथ हैं, पवन कुमार जी के सुपुत्र। आदित्य भाई राम राम। राम राम भाई, वीडियो देखने वाले सभी भाइयों को राम राम। और आदित्य बढ़िया भाई, कैसा चल रहा काम? एक नंबर है चल रहा है भाई। तेजी यार, एक मंदा है? मंदा भी गणित तेजी वाली बात को नहीं, नॉर्मल है। नॉर्मल है, इतना तो चलता रहना चाहिए। हाँ, इतना चलता रहना। ठीक ठीक ठीक। तो आज कितने के पशुधन है, हरकड़ेगा के, लोड भरिया, कुकर के, किस कंसेप्ट से वीडियो होगी, पहले तो ये बताओ दर्शकों को, आप ही बताओ भाई। अपने पास आज दो गाड़ियों का लोड है। दो गाड़ियों का, तो आप एक गाड़ी का पूरा लोड दिखाओगे? एक का पूरा दिखा देंगे। कहाँ जा रहा है ये लोड? जा रहा भाई कानपुर माधोबाग में। कानपुर माधोबाग में। हाँ। किस फार्मर के पास जा रहा है ये? जा रहा भाई, ये भाई आया शिवा। अच्छा, इसके पापा का नाम है नन्ना यादव। अच्छा अच्छा, इनके पास जा रहा है। हाँ। ठीक ठीक, आना भाई साहब। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। एक बार दर्शक को आने दो। राम राम भाई। एक बार क्या नाम भाई जी आपका? भाई शिवा यादव नाम है। शिवा यादव, कहाँ से पहुंचे हो भाई? कानपुर से। कानपुर से। कितना अपना सेल परचेज का काम है, दूध का काम है जी? भाई बिजनेस है, भैंस बेचता हूँ। भैंस बेचते हो जी भाई? पवन कुमार जी के पास, मतलब आदि भाई के पास जी भाई। कितनी बार से, कितनी बार पशु ले चुके हो भाई? पहली बार तो ले जा रहा हूँ सामने, और पीछे वीडियो से मंगाई थी एक गाड़ी माल। अच्छा, वीडियो देखी थी यूट्यूब से? देखी। ठीक ठीक ठीक, वीडियो देख कर ना फोन पे बात होगी। हाँ। और फिर डांगर सही पायो? डांगर सब ओके था। कैसा के काम है भाई? होगा मस्त है। बढ़िया बढ़िया, मजा आ रहा है, जमा मजा आ रहा है। इस डील के बाद लग रहे हैं अगली बार भी आप आओगे? जी जी बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे जो कानपुर वाले? मैं कानपुर वालों से यही कहता हूँ, पवन कुमार जी से संपर्क करिए। हाँ। माल अच्छा मिला दिलाते हैं। हाँ। और झोटियाँ अच्छी मिलती हैं। झोटियाँ अच्छी। हाँ। मिलती हैं, दूध वाली भी झोटियाँ निकलती हैं। आज जो अपना पशुधन है वो सारी ताजी भी आई है? सब ताजी भी आई भाई, दो दिन तीन दिन की भी आई है सब। एक एक दो दो दिन की भी आई, एक एक दो दो दिन की भी आई जी भाई। ठीक ठीक, तो शुरू करें फिर, पशु दिखावा? दिखा दे। ले आओ जी पशु, ले आओ खोल के। एक नंबर पशुधन आ गया, क्या डिटेल है? ओहो, फर्स्ट टाइमर भाई। चौड़ा पीठ पुट्ठा, छोटी सी प्यारी सी हाइट है, गोल सींग है, पुंजड़ तेरे कुकर है। पुंजड़ छोटा भाई, और की में कमी है? छोटा टूट रहा कुकर है यू, अगी यू मतलब जन्म छोटा है भाई, लागे टूट तो कौन रहा? टूट तो कौन रहा यार, पुंजड़ छोटा है। पुंजड़ छोटा। ठीक ठीक, कुकर के बात है, ब्यात के अगर मैं बात। फर्स्ट टाइम मेरा, चार दिन की भी आई है। फर्स्ट टाइमर, चार दिन की भाई, कितने दूध की है ये भाई? कम से कम 12 किलो की। 12 किलो दूध, इसमें आज 8 किलो दूध तैयार है। चार अर्धार पुसा, एक नंबर का टॉप। शिवा धार खुद काट दिया आपने? कैसा मस्त दुआ है, बढ़िया दुआ है। दो दांत है, दो दांत पकड़ी है। दिखाइए कि मुंह खोल के उधर आ गया अंकित। आगे 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 आगे। ठीक ठीक, सेटिस्फाई है ना शिवा? ठीक है, बांध दो नंबर ले आओ। अच्छा, तो मैंने बता दी भाई, ये जैसे लोड है गाड़ी का। हाँ। तो रेट बताओगे, कौन सी भैंसों के रेट बताओगे भाई? एक लोड तो जाएगा अपने डेयरी में दूध के लिए। हाँ। एक लोड जाएगा बिक्री का, तो रेट डेयरी वालिया का, डेयरी वालियों का रेट बता देंगे, बिक्री वाले को आईडिया आप लगा लेना। ठीक ठीक, यहाँ फिर डेयरी में जाओगे? डेयरी में दूध के लिए जाएगी, जो एक नंबर पापा देखने लग रहे। कितने में दवाई है यार? ये दवाई भाई 1,06,000 की, 21 गाँव से, सचिन रुपए, सचिन पंडित, सचिन पंडित जी पर दवाई है भाई 1,00,000 है। और बहुत ठंडी जोटी है, 1,06,000 की। 1,06,000 रुपए की बहुत ठंडे से भाव की जोटी है, आप लोग देख सको हो है जी। कैसे बैठ के दूध निकाल लो, जो दोनों साइड बैठ जाओ, दोनों साइड बैठ के 12 किलो दूध ना? अभी तो 8 किलो दूध, अभी 8 किलो दे देगी, 10-12 दे देगी आराम से, 12 आराम से। बंद दो शिवा भाई, दो नंबर आ गई है न्यू, तो डेयरी वाली है, सेल की है, सेल वाली भाई है। ये जाओगी माधोबाग में? ये जाओगी माधोबाग में। तो जो बिकने के लिए पशु जा रहा है आप उनके रेट डिस्क्लोज नहीं करोगे? इसके नहीं करेंगे भाई। ठीक ठीक ठीक, बाकी दर्शक अंदाजा लगा लियो भाई, कमेंट के माध्यम से बता दियो क्या डिटेल आ दी ये भाई। फर्स्ट टाइमर है, मुंह से चार दांत है, मुंह से चार दांत, फर्स्ट टाइम, 5 दिन की भी आई है। अच्छा, और 10 किलो दूध है मौके में, 5 दिन की भी आई है नीचे। 10 किलो दूध, 9-10 किलो मान, 9 किलो मानो, 9 किलो। अर्धार पुसा, टॉप का जमा, कितना लागा, कितना दूध दे देगी? दूध दे देगी भाई 12 किलो है। ऑर्डर क्वालिटी देख के भी लागा भाई, अगर दूध मिल कम तक 10-11 किलो दूध है, चार दांत भाई, और मुंह से चार दांत। हाँ है, जैसे जैसे दांत से बढ़ेगी, ब्याज से बढ़ेगी, ग्रोथ देगी। हाँ, ग्रोथ और भी करेगी भाई। एक बार वापिस चक्कर कटवा दो जी, एक दो
तो इसके रेट डिस्क्लोज नहीं करने, इसके रेट के दर्शक भाई बताऊंगा कमेंट करके। आइडिया लगा लेंगे और जोटी आइडिया लगा के बताइयो भैया जोटी कितने की होगी। पहले डीजो एक नंबर पर जोटी दिखाई, ज्यादा तेज को नहीं, बहुत बढ़िया बाम है, बहुत बढ़िया बाम है, ठीक ठीक बांध दो जी, तीन नंबर ले। अच्छा दी या डायरी में जाओगी? जाओगी डायरी में। तो मतलब इसके रेट बताऊंगे, और पूछना पड़ेगा डायरी वाली किसी है, क्या डिटेल है ब्याज की अगर मैं भैया? दो दांत है, मुंह से दो दांत चलाते रहो जी, एक साइड बाव है। अच्छा एक साइड बाहर है, इस साइड मेरी साइड है, बहुत ज्यादा आ रहा है, झुकाव ज्यादा बन रहा है, उतर जाएगा बहुत बढ़िया बन के आओगी। हाँ हाँ जब बाघ उतरेगा ना तो बढ़िया ऑर्डर सेट हो जाएगा, ठंड बढ़िया सेट हो जाएंगे। मुंह से कितने दांत है? दो दांत बोली भाई, मुंह से दो दांत, दूध आपने चार भी उसका दो ही पाओगी, बाकी दिखा दे, बस है दो है भाई, ये देख तीसरा ठीक है। मुंह से दो दांत, गोल सिंह चौड़ा पीठ पुट्ठा, और कितना के दूध है जी भे? आज भाई इसमें तीन दिन की ब्याई है और सात किलो दूध है, तीन दिन की ब्याई, केला का कितना दे देगी? दूध दे देगी 11-12 किलो, 11-12 कितने में दुआई? ये दुआई भाई 119,000 की, 119,000 रुपए भाई आप सभी के सामने है। ये डेयरी में जा रही है इसलिए भाई इसका रेट डिस्क्लोज कर रहा है, जो या जोटी कुछ अलग क्वालिटी है, बनका होगी बहुत बढ़िया बनेगी, बहुत बढ़िया बनका होगी, ऑर्डर जो नीचे की ओर जाओगा ना तो बहुत बढ़िया ऑर्डर निकल का होगा, अभी थोड़ा बाहर आया है इस करके। चार नंबर ले आओ जी, चार नंबर आ गई आदित्य भाई, फर्स्ट टाइमर भाई, फर्स्ट सारे फर्स्ट टाइमर दे रखे, कानपुर फर्स्ट टाइमर चला अपनी फर्स्ट टाइम, इसके पीछे क्या रीजन है? ये भाई ने फर्स्ट टाइमर मतलब करवा गया, जो किसान है फर्स्ट टाइमर लेना पसंद करे। अच्छा खार की जोटी लेना, दो तीन ब्याज रख लेने, वो दूध पे ठीक ठीक दूध दादा थोड़ा पी ले है। हाँ। तो ये डेयरी में जाओगी, दूध तो ज्यादा मतलब को नहीं, उनने बस 100 पीस का मतलब है। अच्छा अच्छा दोनों तैयार डेयरी में जा रही है, या माधोबाग में जाओगे बिक्री खातिर? बिक्री खातिर जाओगी, इससे खाली करी थी कल शाम ने, अभी सुबह 2 किलो दूध निकाल लिया, सुबह 2 किलो दूध निकाल लिया है, सुबह ही खाली करी है, कल शाम को खाली करी थी, सुबह 2 किलो निकाल लिया। तो क्या लग गया, कितना दूध देगा? ये दूध देगा भाई 9-10 किलो, 9-10 किलो। रेट को नहीं बताओ? रेट नहीं बताऊंगे भाई, इसका रेट नहीं बताऊंगे, घुमाते रहो जी, एक के भीतर इस आगे गोल सिंह है आप सभी के सामने, बहुत अच्छा पशुधन। फर्स्ट लैक्टेशन में कितने दिन की ब्याई है? एक्चुअल जो ब्याई बताओ मना, 2 दिन की होगी भाई, 2 दिन की ब्याई है, सवेरे 2 किलो आज खीस निकाल लिया है, कल शाम को खाली करी, कल शाम को खाली करके 2 किलो निकाला, ये मान के चलो 5 किलो स्टार्ट हुई है, 5 किलो से स्टार्ट है। जब थड़ा का जो साइज है वो बहुत बढ़िया है, चलाइए जी थोड़ा आगे लेके जाइयो, थना का जो साइज देखने लग रहे हैं, जो खार की जोटी के जो अपने पिछली वीडियो में देखे अपन, उसके थोड़ा छोटा साइज था है ना, लेकिन इसका साइज मुट्ठी थना है, बहुत बढ़िया जी ने कहा, अगर सही तरीके से गुदगुदी का दीदी तो नहीं मानती है, कुछ नहीं मानती, कौन सी भी बांध दो जी, एक आओ गुदगुदी वाली, इसका बाद वो बांध दे। अच्छा ठीक ठीक ठीक, 5 नंबर ले आओ, 5 नंबर पशुधन आ गया गोल सिंह, सारी सिंगा कहते जमाने चुन चुन के ले रखी है जिन्होंने, सारी फर्स्ट टाइमर जोटी, मतलब आपा का इसका वीडियो का कि थंबनेल भी बन जाएगा अगे, कैसी वीडियो जिसमें सारी फर्स्ट टाइमर जोटी, अरे कैसा लोड है जिसमें सारी फर्स्ट टाइमर जोटी, अटर क्वालिटी HF गांबर की भाई, आज एक हफ्ते की ब्याई है, एक हफ्ते की ब्याई है, 11 किलो पहला तो नहीं बताते मैंने, धार किस टाइम काटी धार काटी सवेर 6 बजे, सवेर कोई भैया को नहीं, आपा खुद काटा है, आपा खुद काटा, इसको पूछ रहे शिवा पैसा ने कटवाई है, शिवा कितने बजे धार निकली थी सुबह इसकी? 6 बजे निकली थी, ठीक ठीक ठीक, उठाई लेट था यो, अच्छा अच्छा सवेरे 6 बजे, तो सवेरे 6 बजे धार निकली थी, ठीक ठीक ठीक। बाकी एक बार घुमाइए सिवा दोबारा, मुंह से कितनी दांत है? 2 दांत है, खांडा गांव से दुआ रखी है, धर्मवीर पे दुआ रखी है। अच्छा धर्मवीर पे दुआ रखी है, एक भाई यही रोक ले सिवा भाई, ऑर्डर देखो जिन्होंने कहा असली ऑर्डर, खर की जोटी कर, थना का साइज देख लो, अरे डिस्टेंस देख लो, अरे बढ़िया तरीके से, अभी कितना के लग गए दूध, अभी तैयार कितना है दूध भाई? इसमें फिलहाल है 10-11 किलो, 10-11 किलो और बढ़ेगी दूध देगी भाई 13 किलो, 13 किलो कम से कम। कितने में दवाई? यह दवाई 1,22,000 की, 1,22,000 में फर्स्ट लैक्टेशन की, मुंह से दो दांत खांडा गांव से, खांडा गांव से धर्मवीर के पास था, धर्मवीर के पास से, धर्मवीर ने सब जाना खांडा गांव में, और कंडक्टर भी लग रहा है बस में। अच्छा अच्छा हरियाणा रोडवेज में है, एक प्राइवेट में है, हरियाणा में, हरियाणा रोडवेज में बांध दो भाई। 6 नंबर पशुधन आ गया आदि भाई, या भाई फर्स्ट टाइम कितनी सारी ना इसी छट छट के ले आ रहा है, इनको आ रहा है खरकी की यार, उन्हें बहुत बढ़िया सिंगा कहते हैं, पीठ पुठे कहते हैं भाई, एक बात सिलेक्शन का मतलब माहिर हो गया, तो आप भी और आपके पिताजी भी, क्या डिटेल है सारी डिटेल बताओ भाई, फर्स्ट टाइम मेरा है, याद बता बात बताने की जरूरत को नहीं, 3 दिन की ब्याई है, 3 दिन की ब्याई, काफ के 6 किलो दूध है, नीचे इसका कटड़ा, नीचे कटड़ा है, 6 किलो दूध है, अरदार पूसा टॉप का जमा, गुदगुदी मानना है, या गुदगुदी मानना है, किसी रेट बताओ, रेट बता देंगे, कह मैं दुआई 80,000 की मात्र है, मात्र 80,000 की, ईशा के कितना खरीद दिया, सबसे पहली बार यहाँ खरीद करी थी, अच्छा सबसे पहली यहाँ खरीद करी, कौन से गांव तो बताओ थे, या दुआई है या गुलकनी से, गुलकनी तो दुआने का काम करा, मात्र 80,000 रुपया में, मौके पर दूध कितना तैयार, मौके पर दूध इसमें 6 किलो, मौके पर 6 किलो देंगे, 10 किलो दे भी दे, 10 किलो कम से कम दूध देने का काम करेगी आप सभी के सामने, नीचे कटड़ा है धारपुसा की
एक नंबर हाँ। ठीक ठीक क्या मैं 80,000 में 80,000 रुपया हम दुआने का काम करा। बांध दो भाई सात नंबर ले आओ। सात नंबर पशु दोना या सिंह तड़वारी है? सिंह तड़वाई का डिम तड़वाएगी। अच्छा अच्छा अपने अंधेर तड़वा लिया तो महा उड़ता तो कौन ले भाई जी अलबाद कर गया। ठीक ठीक फर्स्ट टाइमर है? फर्स्ट टाइमर भाई या एक हफ्ते की ब्याह है इसमें दूध है 10 किलो। आदि थोड़ा रोकना चाहूंगा मुँह से कहता है मुँह से भाई चार दाते मुझे थोड़ी पैक के ब्यारी है मतलब। ठीक 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 ना तो बॉडी स्ट्रक्चर ने देख का तो सेकंड लगा है लेकिन फर्स्ट टाइमर कह के दी है। फर्स्ट टाइमर कह के दी है। ठीक 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 दार पुसा टॉप का फर्स्ट टाइमर मुंह से चार दांत कितने दिन हो गए ब्याई ने? एक हफ्ता ऊपर से ऊपर हो चुका। काफ के है नीचे कटड़ी है दूध 10 किलो मौके पे तैयार है। मेला लगने के बाद कम से कम कितना दे देगी? 12 किलो कम तक कम देगी। कम से कम एड्रेस का भी बहुत बड़ी एड्रेस दिख रही है अभी दूध देने वाली भैंस है छोटा पीठ पुठा है सिंह गाडी में तोड़वाएगी ना तो आप तो ओके ले आए थे मतलब क्या मैं दवाई है या दवाई भाई 1,09,000 की 1,09,000 रुपए में दिलाने का काम करया भाई। पशु धन आप सभी के सामने है देख सको हो किसी प्रकार की कोई काज कसर कोई कमी नहीं है जिनका आग्रह सारी की सारी पहले इलेक्ट्रिशियन की। इसमें थोड़ा हार्ड आउट लग गया था भाई ने बोला मन भी लग गया था लेकिन फर्स्ट टाइम गोल सिंह अडर क्वालिटी देख ली अंकित एक बार दिखा दी क्या बने अच्छा गैबन है कहीं दिन ले होगी उसने तो बताई 10 दिन लेकिन अपने हिसाब से 4-5 दिन में भी आ जाएगी। 4-5 दिन में भी आ जाएगी जी जुगर बॉडी स्ट्रक्चर इसका हो रहा है या क्या मैं दवाई फिर या भाई रेट में बता दे लेकिन है सही रेट में नू तो कह दे 80 तला 90 तला 100 तला 70 तला 60 तला बता सकते इसने बेचनी भाई ने। अच्छा इसने बेचनी है ठीक ठीक लेकिन है बढ़िया रेटा में मिलते जुलते रेटा अच्छा अच्छा बढ़िया रेटा में ही नहीं से मिलते मिलते जुलते आइडिया लगा लेंगे। हाँ इसका अंदाजा लगा लियो भाई बाकी क्या बन जोटी है फर्स्ट टाइमर बच्चा देगी तो मिल्क रिकॉर्ड वगैरह तो इसका फिर पता क्या होगा पता कि मैं ठीक ठीक बांध दे भाई देगी साथ देगी कुछ नहीं पता कुछ नहीं मेरा है भरी बंदूक है। ठीक ठीक 9 नंबर ले आओ जी। हाँ दी भाई इसकी क्या डिटेल है भाई सेकंड टाइमर सबत वीडियो में एक तो उस पर डाउट सा होया था इसकी आपने सच्चाई बताई थी भैया सेकंड टाइमर तो यह कैसे समझ में आएगी शिवार का फिर या भाई ने बोले एक यार बढ़िया लगी अंडर क्वालिटी इसकी। अच्छा अंडर क्वालिटी दिखा दी खार की दूध बढ़िया 14-15 किलो दे रखे हैं खार की ने 14-15 किलो दूध दे रखा है बयान का एक हफ्ता इसका मतलब दो ज्ञापन ली है सीधी सी ज्ञापन ली है। ठीक ठीक और बाकी तीन और बार खड़ी है वो तीनों भी आई है। अच्छा अच्छा वो जो तीनों डायरी पर नहीं है अपनी डायरी में अभी जगह नहीं है अभी डायरी में जगह नहीं है भाई स्पेस नहीं है। कम से कम कितनी पैसे बंद रही है यहाँ बंद रही 13 वैसे हैं और जो बार खुट्टिया पे बंधी हुई खरीद रखी है वो कितनी है 3 बार खड़ी है 13-3 16 और उनके अलावा भी है कहीं इनके दो की और कमी रह रही है वो आपके पास दिलाने गए हुए ठीक 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 है। तो ब्याह की अगर मैं बात करूँ तो अभी ब्याहना है इसने दूसरे ब्याह में बच्चा देगी लगभग कितने दिन ले लेगी उसने बताई भाई एक हफ्ता आप कितने अपने आइडिया से 4-5 दिन ले लेगी। फर्स्ट टाइम मैंने दे रखा है 14-15 किलो 14-15 तो आपकी को क्या लगता है कितनी उम्मीद होगी आपकी बार दूध देने इसकी भाई आपने उम्मीद मान के लिए 16 किलो 16 किलो अड्डर से दिखता भी है दूध देने वाला पशुधन है आराम से भाई शिवा थोड़ा कंट्रोल करो 16 किलो लमसम दूध दे देगी रेट बताओगा रेट ना भाई इसके भी नहीं बता ये बिक्री के लिए पशुधन जो पशुधन भाई डायरी के लिए थे उनके रेट भाई ने बता दिए लेकिन भाई कह रहा भाई आए बाग जाके शिवा भाई ने भी इन पशुओं को बेचना है। तो भाई आदि भाई के पास पहुंचे थे पवन कुमार डायरी फार्म पे जींद में खड़े हैं काट मंडी बोलना है इसने आरा रोड पर खड़े हैं और बिल्कुल भाई ने भाई कम से कम 9 से 10 पशुधन इस वीडियो में दिखाए हैं 8 पशुधन है जो वो दो गाड़ी होगी। हाँ भाई थोड़ा तू बता खुल गया मेरा कंफ्यूजन समझ गया अपनी बैसे जाएंगी 16 या 17 16 और 17 वीडियो में दिखाई है 9 बैसे और 3-4 बार खड़ी है हाँ। और 3-4 अभी कमी रह रही है 3-4 की अभी कमी है हाँ। तो ठीक है तो जो अपने वीडियो में दिखाई उनमें से कुछ डायरी के लिए कुछ डायरी की है कुछ सेल परपज के लिए है। जिस पशुपालक था अपने वीडियो की शुरुआत में बात कराई वो शिवा वो यादव भाई है हाँ भाई। कानपुर से भाई आया है स्पेशल वैसे लेने के लिए हाँ भाई। दूसरी बार वो भाई की एक गाड़ी गई थी अपनी ऑनलाइन मतलब व्हाट्सएप पे वीडियो दिखा के दूसरी बार ये खुद लेने आए 2 गाड़ी ये जो मतलब काम हुआ हदी भाई सारा काम कैश का हुआ किसी में उधार भी हो जाए ना भाई अपना तो कैश का है सारा काम मतलब कैश क्योंकि नए बंदे हैं ना हम न जानते नाम उसने जान दे। ठीक 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 तो सीधी फार्मर आप डील करो या तो अन्य कोई भाई कानपुर से अहमदाबाद से गुजरात से न्यू तो न्यू दादी जुगर भाई को ज्यादा भैंस लेता अपना रेट पर भैंस कमीशन जो थोड़ा कम हो जाता हो
ना जो 3000 ज्यादा को नहीं यहां पे इनका रहना खाना पीना सेवा सारी व्यवस्था अपने घर पे अपनी डेयरी पे बिल्कुल ये बस 3-4 दिन हो गए यहां खाना पीना इनका रहना सब अब ऐसो का भी फिर अपने शहर के मां पर रह रहे हैं टूड़े का भी जितना चना चाट चूरी का भी बहुत ज्यादा खर्चा अपना खर्चा भाई सब अपना खर्चा भाई होगा गाड़ी वगैरह की अगर मैं बात करूं तो भाई गाड़ी मान ले जुगर कहीं पर वो खुद लेके आओ तो ठीक है नहीं आप अपनी मेले चला अपने पास गाड़ी है अपने तो गाड़ी में भाई लेके जाओ सारी व्यवस्थाएं हैं तो जो भी अन्य अदर स्टेट से भाई वीडियो देख रहा है जरूर एक बार भाइयों को सेवा का मौका जरूर दे बहुत साफ सुथरे पशुधन आप लोगों ने वीडियो में देखे रेट आप लोगों ने देखे डिसाइड आप लोगों ने करना क्यों आदि भाई हमारा तो काम दिखाना है वो हमने तरीके दिखा दिया आप लोगों को बता दिया आदि भाई के पास खड़े हैं पवन कुमार डेयरी फार्म पे मोबाइल नंबर बताओ जी मोबाइल नंबर भाई अपना 85 पूरा 700 31 81 और फादर साहब का मोबाइल नंबर पवन कुमार जी का 94165 6624 दोनों ये जो नंबर है व्हाट्सएप के भी नंबर दोनों व्हाट्सएप है दोनों व्हाट्सएप के नंबर भी यही है भाई गली नंबर 22 है आरा रोड है आज पवन कुमार डेयरी फार्म पापा खड़े हैं तो आदि आन राम राम सारे भाइयों ने वीडियो देखने वाले सभी भाइयों को राम राम सारे भाइयों ने राम राम भाई।